नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े की रसेदार सब्जी। सिंघाड़े की रसेदार सब्जी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। उबला हुआ सिंघाड़ा 250 ग्राम, कटा टमाटर एक, कटी हरी मिर्च एक से दो, कटा अदरक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच या स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, आमचूर एक चौथाई चम्मच, कॉर्नफ्लावर आधा चम्मच, देगी मिर्च आधा चम्मच, देसी घी या मूंगफली का तेल एक से दो चम्मच, दही आधा कप, हींग एक चौथाई चम्मच, जीरा आधा चम्मच, कटा हरा धनिया एक चम्मच, पानी दो कप या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले सिंघाड़े को धो लेंगे और हांडी में सिंघाड़ा और दो से तीन गिलास पानी डालकर मध्यम आंच पर उबाल लेंगे सिंघाड़ों के गलने तक। सिंघाड़ों को पानी से अलग कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। सिंघाड़ों का छिलका उतारकर मनचाहे आकार में काट लेंगे। गैस जलाएंगे और पैन में घी डालकर गरम करेंगे। अब इसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक, हींग डालेंगे और कम आंच पर 30 सेकंड तक चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार पिसी लाल मिर्च डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। एक बड़ा चम्मच पानी डालेंगे जिससे कि मसाला ना जले, और चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। कटा हुआ टमाटर डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ढक्कन लगाकर कम आंच पर एक से दो मिनट तक पकाएंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। ढक्कन उतारेंगे और कड़छल से चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। टमाटर गलकर तैयार हो चुका है। आधा कप दही डालेंगे और लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे जिससे कि दही ना फटे। देगी मिर्च डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए मिलाएंगे। आप इसमें देगी मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उबला हुआ कटा हुआ सिंघाड़ा डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए एक से दो मिनट तक सामग्री को भून लेंगे। आंच को कम कर देंगे और एक से डेढ़ कप पानी डालकर चलाते हुए मिलाएंगे। ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक कम आंच पर सब्जी को पकाएंगे। कटोरे में आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर और पानी डालकर घोल तैयार करेंगे जिससे कि करी को गाढ़ा बनाएंगे। ढक्कन उतारेंगे, लगातार चलाते हुए कॉर्नफ्लोर के घोल को डालेंगे और चलाते हुए मिलाएंगे। आमचूर, गरम मसाला डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए एक से दो मिनट तक पकाएंगे। सिंघाड़ा सर्दियों के मौसम में ही मिलता है। सिंघाड़े की रसेदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और एक कटोरे में सिंघाड़े की रसेदार सब्जी को निकालेंगे और हरे धनिये से सजाकर गर्मा गर्म पराठा, पूरी, रोटी आदि के साथ परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँ की रसोई .net पर भी
पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।